हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद फैशन। आज मैं आपको कुछ आइटम्स दिखाने वाली हूँ जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मैच नहीं करते। मैंने कुछ देख के उनको ख़रीदा था लेकिन वो कुछ निकला, जिसमें से मेरे जो मैंने लिए हैं आइटम्स उसमें से कुछ एक आध ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे आइटम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के, मतलब आई रिग्रेट बाइंग दोज आइटम्स आई वुड से, कि मैं अब की बार जब भी उस जैसी चीज़ें खरीदने जाऊँ तो मैं बहुत सोच समझ के लूँ। एंड बहुत आशाएं थी मुझे कि भाई वो मेरे बहुत काम आने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो लेट मी शो वन बाय वन। अभी शायद आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये कहाँ से लिया है, तो ये मैंने जो शॉपिंग है रोज़ गर्ल से करी थी। इससे पहले भी मैंने रोज़ गर्ल से शॉपिंग करी हुई लेकिन हमेशा आइटम्स बहुत अच्छे हैं। तो इस बार जो है आइटम्स ठीक है, क्वालिटी वाइज ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। पहले वो आइटम दिखा देती हूँ जो अच्छे अच्छे हैं। इनसे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि मैं एक किचन में एक ऑर्गेनाइज़र रखने वाली हूँ, जिसमें खाना बनाने टाइम जो हम करछी यूज़ करते हैं उसको रखने के लिए हम दूसरी प्लेट निकालते हैं, या उसका कैप जो होता है, ढक्कन जो होता है उसको रखने के लिए दूसरी प्लेट निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये। तो इस साइड जो है जो करछी होती है वो हमको इसमें रख देना है, एंड जो प्लेट होता है उसको खड़ा करके इसके ऊपर रख देना है। इसका डब्बा है मेरे पास, डब्बे के ऊपर फोटो दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ऐसे ऐसे रखना है, मतलब ऐसे रख सकते हैं आप ऐसे। तो ये आइटम एक अच्छा है। एंड उसके अलावा जब भी मैं कार में जा रही हूँ तो शूटिंग जो हो रही है, आपको एडिटिंग करने के बाद तो इतना पता नहीं लगता है, लेकिन ट्राईपॉड भी रखो अगर मैं सामने जो वो होता है डैशबोर्ड जो होता है उसके ऊपर भी अगर फोन रख दे तब भी धब्बे से गिर जाता है। तो जब तक चल रहा होता है मैं एडिट करके जो जो गिरने से पहले तक का है वो शूट करके रख देती हूँ। लेकिन इसलिए मैंने सोचा एक कार के लिए एक मुझे एक स्टैंड मिल जाए जो कितनी भी कुद्दी मार ले गाड़ी लेकिन वो गिरे ना फोन उस टाइम पे, तो मैंने ये लिया है। वो ये पहले गिर रहा है, तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे फोन लगेगा इस तरह से, इस तरह से। एंड ये जो गैप है जहाँ पे स्टीयरिंग केस के ऊपर वो जो कवर रहता है ना मीटर के ऊपर, उसके ऊपर एक घुसा देंगे तो फोन जो है एकदम हिलेगा नहीं बिल्कुल, एंड वीडियो अच्छे से शूट हो सकती है। एंड ना ही मतलब नॉट ओनली सेल्फी, सामने का भी अगर शूट करना है रोड साइड भी वो भी शूट कर सकते हैं, तो इससे जो है अच्छी पिक्चराइजेशन आएगी, इसलिए मैंने ये लिया था। तो इसके क्योंकि ये जो आइटम्स है मैंने खुद से परचेज करे हैं, रोज़ गर्ल के लिंक्स तो मुझे पता नहीं है कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं क्या करूँगी जो जो अमेज़ॉन में मिल जाएंगे मुझे ये लिंक्स, मैं वो वाले पेस्ट कर दूँगी। तो ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं सोचा मेरे कुछ काम आने वाली चीज़ें मैं ले लेती हूँ ऑर्गेनाइजर। एंड नेक्स्ट है ये कुप्पी, तो ये फोल्ड हो जाती है या तो इतनी लंबी हो जाती है, तो मेरे को चाहिए था एक। कभी कभी कुछ ट्रांसफ़र करना होता है जैसे ऑयल, या कभी कभी बहुत सारी चीज़ें किस चीज़ की, इसकी जो है बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती रहती है, तो मैंने बोला एक रख लेते हैं। ज़्यादा स्पेस भी कवर नहीं करेगा क्योंकि फोल्डेबल है, बड़ा करना है बड़ा, छोटा करना है छोटा। ये भी अच्छा आइटम था। एंड उसके बाद क्योंकि हम लोग यूट्यूबर्स हैं तो ट्राईपॉड्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये एक छोटा वाला ट्राईपॉड और ले लिया है मैंने। मेरे पास और भी एक दो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हर एक ट्राईपॉड जो है सेट नहीं, जैसे मैंने आपको ये वाला ट्राईपॉड दिखाया था, तो ये जो है फोल्ड होने के बाद ऐसे होता है। एंड अगर इसको मेरे को कहीं रखना है तो इसका नीचे का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इतना प्लेस मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि इसको मैं कहीं रख सकूं। तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी। इससे पहले मेरे पास एक था ऐसा, यहाँ पे बॉल्स टाइप की आई थी तो वो बड़ा लूज था, जैसे फ़ोन रखते थे तो ऐसे लुढ़क जाता था, इसलिए मैंने एक ये वाला ऑर्डर कर दिया। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, एंड ये हम जैसे इसको मुड़ा रहे हैं वैसे रह रहा है, लूज होने का चक्कर नहीं है इसमें, तो ये अच्छा लगा मुझे। एंड कहीं बाहर जाते हैं तो भी ऐसे करके शूट कर सकते हैं, मतलब फ़ोन को बस इसमें लगाओ एंड लाइक दिस यू कैन शूट। सो अच्छा है। एक मैंने लिया है ईयरफोन्स, लिए हैं ब्लूटूथ वाले, क्योंकि लंबे लंबे वाले में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है करके मैंने ये लिया है। लेकिन अब ये कैसा काम करता है मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया है, इसको आके मुझे काफ़ी दिन हो गए लेकिन कवर में ही थे सारे, मैंने खोले नहीं। इसका चार्जिंग के लिए ये दे रखा है, एक घंटा चार्ज करना है आपको इसको भी मेरे को चेक करना है चार्जिंग लगाने के बाद ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ब्लूटूथ ऑर्डर किया था जो कान में लगाते, मैंने दिखाया था शायद आपको, वो जो है बहुत जल्दी उसकी चार्जिंग खत्म हो रही है। मैंने सोचा चलो ये वाला ऑर्डर करते हैं, तो मैंने ये एक लिया है।
एंड उसके बाद यही थी जो थी कुछ अच्छी वाली आइटम्स। अब आ जाते हैं जो, हाँ एक और अच्छी वाली आइटम है, क्योंकि घर में जो भी कॉर्नर्स होते हैं हमको हमेशा डर लगा रहता है कि बच्चों को कहीं वो कॉर्नर लग ना जाए, जो भी जैसे हाँ हॉल में या कहीं पे भी कॉर्नर होता है ना किसी का, तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि कुछ मुझे ऐसा मिले कि मैं कॉर्नर में लगा पाऊँ। तो ये है वो कॉर्नर में लगाने के लिए, कोई भी कॉर्नर हो जो आपको लगता है कि बच्चों को चुभ सकता है आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर ऐसे टेप दे रखी है, इसके अंदर आपको टेप को निकालना है, इस पर चिपकाना है और ऊपर से फिर से टेप को निकाल, जैसे डबल टेप होती है ना उस टाइप से इसको चिपकाना है एंड जहाँ पे आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैंने ऑलरेडी कॉर्नर्स में अपने लगा रखा है। इसके बाद एक और थोड़ा सा अच्छा आइटम ये है, जब भी हम कुछ डीप फ्राई करते हैं या कुछ करते हैं तो पकड़ने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो वो चीज़ जो है थोड़ी सरकने लगती है, जैसे पकौड़ा हो गया, तो ये है ना उसके आपने जैसे कुछ भी तेल में पूरी डाली या वड़े डाले तो इससे जो है आप ऐसे चिमटे से पकड़ सकते हैं उसको एंड तेल भी जो है पूरा स्ट्रेन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें रह जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड आइटम। उसके बाद मैंने लिया है ये सोच के कि भैया मेरे को कैमरा खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं फ़ोन की जो क्लैरिटी है, फ़ोन का जो कैमरा है उसी के ऊपर लेंस लगा के जो है जूम इन जूम आउट वाला चीज़ कर लूँगी। तो मैंने ये कैमरा के जो लेंस होते हैं ना, देखो ये वाला, ये ख़रीदा, लेकिन नाकामयाब है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो अच्छी खासी क्लैरिटी आ रही है वो भी ख़राब हो जा रही है। देखो तो इसमें दो लेंस दिए हैं, एक है ये, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसके ऊपर कैप लगा हुआ है ये देखो। तो मैं अभी अपने फ़ोन पे लगाती हूँ तब आपको पता लगेगा ये क्या हो रहा है। देखो इतनी बढ़िया क्लैरिटी आ रही है, जो क्लैरिटी वो ही मिस हो जा रही है। इसको दो साइड से लगा सकते हैं, मतलब दो इसके साथ है, तो मैं ऐसे ही लगा के बताती हूँ। एक तो आपने देख लिया एंड रुको, दूसरे का कैप निकालती हूँ। ये देखो ये है इसकी क्लैरिटी, वाओ सुपर क्लियर है ना। किसी को कैमरा खरीदने के जो इसके ऊपर निर्भर हो के ये खरीदेगा कि हमको खूब अच्छी वाली क्लैरिटी आ जाएगी, एंड इसको लगाने के बाद फुल स्क्रीन तो हो ही नहीं रहा है, पूरे फुल स्क्रीन के अंदर एक सर्कल में आ रही है अपनी शक्ल। तो लिया था तो मैं सोचा चलो लोगों को भी पता चलेगा कि क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए ऑनलाइन है और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी। पैकिंग तो बड़ी धमाकेदार करके भेजी, इसके पॉकेट में रख के, इसके डब्बे में रख के, पता नहीं क्या क्या करके भेजा है, लेकिन माल एकदम बेकार है ये। मैंने लिया था ये वाला ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने सोचा सिंक के बाजू में लगाएंगे क्योंकि साबुन वहाँ पे बार बार गीला हो रहा है। तो मैंने सोचा वो जो टैप के, क्योंकि फ़ोटो में जो दिखा रखा था टैप के साथ ये लगा रखा था एंड यहाँ पे जो स्पॉन्ज रख दिया, यहाँ पे कुछ टवल लटका लिया और यहाँ पे साबुन रख दिया, लेकिन जब मैं इसको अपने टैप पे लगा रही हूँ तो ये तो ऐसे गिरे ही जा रहा है, थोड़ा सा भी वेट ले ही नहीं रहा है, खाली रह रहा है तभी ऐसा लटका हुआ सा रह रहा है एंड कुछ रख दे रहे हैं तब तो और भी गिर रहा है। तो ये भी कामयाब नहीं है, कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी देखो, लिक्विड लिपस्टिक लगाने से ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन बुलेट लिपस्टिक लगाओ, मैट नहीं लगाओ तो इसे ट्रांसफ़र हो जाती है, लगी और यहाँ पे निकल गया। तो इसकी क्वालिटी वॉलिटी ठीक है बट सक्सेसफुल नहीं है प्रोडक्ट। उसके बाद आपको लगता है क्या ये एक लीटर की बॉटल है? मैंने सोचा आदित्य के लिए, एक स्कूल के लिए बॉटल लेते करके मैंने ये बॉटल ऑर्डर करी, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतनी पिद्दू सी आई है, उसमें लिखा था एक लीटर, मैंने एक लीटर की ऑर्डर करी है तो आधा लीटर की लग रही है। तो क्वालिटी वाइज अच्छी है, तो अभिषेक के लिए जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा उसको दे देंगे ये। तो ये भी मेरे जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने आइटम्स ऑर्डर करे थे उस एक्सपेक्टेशन से आए ही नहीं हैं। एंड देखो ये बाउल और चम्मच, मैंने बोला बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है करके, मैंने ये बाउल और चम्मच लिया कि कभी कभी खाना वाना खिलाना है या कुछ करना है या कुछ भी इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखो इतना पिद्दू से आया, अब मेरे हाथ पे मैं अगर करूँ, मेरे हाथ जितना भी नहीं है, ये हाथ का पाम है ना, जो पाम के साइज़ का है ये कटोरा, तो इसमें ओनली सूप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं एंड खाली हवा पी सकते हैं। तो इतना पिद्दू से आया, इतना पिद्दू से मैं क्या करूँगी, कटोरियाँ तो मेरे पास बहुत है, मेरे को थोड़ा सा बड़ा वाला बाउल चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोचा ये लेते हैं करके, और अच्छा सा क्यूट सा दिख रहा था, मैं वो लेते हैं। तो बट ये भी पाँच टाइम खुश हो गया इसका भी। उसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले कप केप्स वगैरह बनाए थे, तो कप केप जो है
कप केक जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहे थे। मैंने बोला चलो एक जो केक का बनाने का जो बर्तन होता है वो ले लेते हैं, हार्ट शेप का लेते हैं, गोल का तो है, हार्ट शेप का लेते हैं। इस बार जब किसी का बर्थडे आएगा तो घर में केक बनाऊंगी मैं, करके लिया। एंड ये भी सेम उसी साइज़ का है जिस साइज़ का ये आया है। मैंने सोचा था इतना बड़ा आएगा, ओनली ये है इसको खोलेंगे तो ये नीचे से प्लेट निकल जाती है, तो केक को जो है आपको झड़काने की ज़रूरत नहीं है, करके मैंने ये ऑर्डर किया था। ये देखो यहाँ पर क्लिप दे रखी है तो खुल गया है। ये भी जब इसको ऐसे करेंगे, जब इसको खींच के ऐसे लगाएंगे तो टाइट हो जाता है, बट क्या फ़ायदा है। इतना पिद्दू सा केक तो मैं कप केक ही बना लेती, वही काफ़ी था, इसकी क्या ज़रूरत थी। बस क्वालिटी अच्छी है बट लेकिन नॉट एज एक्सपेक्टेड। एंड उसके अलावा एक ये चीज़ है, मैंने सोचा इसमें जो है मेरे हस्बैंड जो है दरवाजे के पीछे सारे कपड़े लटकाते रहते हैं, तो जो फोटो मैंने देखी थी उसमें भी कपड़े वपड़े भी लटका रखे थे, मैं वो इनके कबर्ड में लगा दूंगी, ये वैक्यूम है, और उसके बाद इनकी शर्ट वर्ट लटका दूंगी करके मैंने निकाला और इनके कबर्ड में लटकाया, शर्ट लटकाई, अब सब कुछ नीचे धम करके गिर गया। तो ये जो है बहुत ही हल्के वेट कैरी कर सकता है, भारी वाले वेट कैरी नहीं कर सकता है। तो अब मेरे को फिर इसको किचन में ही कहीं इसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, कर्ची वर्ची लटकाने के लिए या जो कपड़े होते हैं डस्टिंग के उसको लटकाने के लिए करना पड़ेगा। एंड मैंने सोचा एक आएगा लेकिन ये दो आए इसके अंदर, ये हो गया। एंड उसके बाद जो चीज़ मैंने सोची थी बड़ी आएगी वो तो छोटी छोटी आई है, और जो मैंने सोचा तो थोड़ी छोटी आएगी वो इतनी बड़ी बड़ी आई है। ये क्या है, ये देखो दिख रहा है आपको कितना बड़ा है, इतना बड़ा ये है। एक्चुअली ये आपके घर में जैसे कोई पुराने कपड़े होंगे तो आपको स्टोर करना मुश्किल हो रहा होगा, राइट। तो आप बीन बैग खरीदते हैं ना, तो बीन बैग में क्या होते हैं, बीन्स रहते हैं, उसके अलावा आप इसमें पुराने कपड़े डाल के इसके यहाँ पे धागा दिया उसको टाइट कर दोगे तो ये भी एक बीन बैग जैसा बन जाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक छोटा सा स्टूल होता है ना जितना, उतने साइज का काफ़ी है, थोड़े पुराने जो भी कपड़े हैं उसमें डाल देंगे, जब कोई किसी हाउस हेल्पर को या कभी वो मांगते रहते कपड़े उसमें से निकाल के दे देंगे तो हो जाएगा। अब ये बैग तो इतना बड़ा आया है कि इसमें तो कपड़े क्या, मेरे जैसा इंसान ही घुस के बैठ सकता है, आराम से छिप सकता है, इतना बड़ा बैग है ये। तो इसको या तो आप लॉन्ड्री बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया। तो ये कुछ आइटम्स थे जो मैंने रोजगल से ऑर्डर किए, बट दिस टाइम आई एम रिग्रेटिंग अ लॉट कि मैंने क्यों खरीदा, क्यों पैसे बर्बाद करें करके। तो इनमें से जो मैंने अच्छे आइटम्स बताए ना वो तो आप ले सकते हो, जो बुरे आइटम्स मतलब अभी जैसे मैंने ये बॉटल बताई, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बड़ी नहीं है, छोटी है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी है, तो आप ले सकते हैं। अगर ये बर्तन आपको इतना साइज़ का चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आपको केक इतना साइज़ का चाहिए तो ले सकते हैं। तो आइटम सारे क्वालिटी वाइज ठीक है लेकिन नॉट एज एक्सपेक्टेड जो मैंने एक्सपेक्ट करके लिया था। एंड सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड स्टेनलेस स्टील है। तो ये सारे आइटम्स हैं जो मैंने लिए थे। आप ज़रा जब भी कभी परचेजिंग करें बहुत ध्यान से करें, एंड कभी कभी हो जाती हैं ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, तो सीखने के लिए भी तो लाइफ में लेसन्स चाहिए, तो दिस इज़ वन लेसन फॉर मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक चिपका दीजिए एंड शेयर भी कीजिए ताकि जो भी ऊंच नीच है सबको पता चले एंड वो लोग गलतियां ना करें। एंड सब्सक्राइब तो करिए बिकॉज अपना चैनल जो है जेन्यून चैनल है, इसको आगे बढ़ाना है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब करिए घंटे बजा के। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।